Well, today BJP's manifesto came out and there was a little mention about climate change and also about the national clean air program. But with me here are Lucknow's, you know, young climate change activist from Swapna Foundation, and they've come here. We'll speak with them. Most of them are also first time voters. We'll speak with them. What do they think about the manifestos, the action of political parties when it comes to climate change, and what are their hopes and expectations? मेरा नाम स्वेबा आफरीन है. तो बेसिकली मेरा मानना ये है कि क्लाइमेट चेंज हम लोग एज अ यूथ, हम लोग पहले अपने इंडिविजुअल लेवल पे करें. जो मैनिफेस्टोज निकल रहे हैं वो एक गवर्नमेंट की चीज़ है, ठीक है, बड़ी चीज़ है, बट गवर्नमेंट से पहले हमें खुद से एक्सपेक्ट करना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं. हम छोटे छोटे लेवल पे हम लोग प्लास्टिक जनरेशन कर रहे हैं, हम लोग रिसोर्स एलोकेशन कर रहे हैं. हर अगला बंदा जाके कपड़े खरीदने हैं, ये खरीदना है, वो खरीदना है, दुनिया भर का हर अगले दिन तो नई नई शॉपिंग्स होती हैं. तो पहले हमें खुद पे कंट्रोल करना है, आई थिंक सो, which is more important. You mean to say there is all it action at citizen level is also very important. Like, yeah. अगर हम लोग देखें तो स्वच्छ भारत अभियान का अगर एक तरह से फेलियर की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा योगदान जिसका चाहिए था वो सिटीजन्स का चाहिए था, लेकिन ना सिटीजन्स ही अपने लेवल पे, यूनिट लेवल पे फेल हो रहा है. हर जगह गंदगी करना, जैसे जैसे ये पुराना होता जाए सिटीजन उसको एकदम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और धीरे धीरे ये फेलियर की तरफ बढ़ रहा है. इसमें गवर्नमेंट आपको कितना भी अपना रिसोर्स एलोकेट कर ले, लेकिन जब तक हम लोग अपने एंड से नहीं करेंगे तब तक देश तब तक नहीं होगा. ऑफ कोर्स सिटीजन लेवल पे एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाट दीज पीपल आर सेइंग. बट व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट्स, व्हाट अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज? बिकॉज जब सिटीजन तो एक्ट कर लें नहीं करें, बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं? यस, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, जो डेवलपमेंट के नाम पे अर्बनाइजेशन जो हो रहे हैं सिटीज़ में, ओके, वो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं से हमारी इकोनॉमी को वो बढ़ाएगी, बट उसके लिए हम इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. मैं गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो अर्बनाइजेशन को बढ़ाएँ, बट थोड़ी बेटर प्लानिंग के साथ. लाइक अभी आप देखते हो कि हिमाचल में अभी लैंडस्लाइड्स होते रहते हैं, वो उसका इन्वायरमेंट की वजह से उस पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी रिवर साइड पे अननेसेसरली डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कई कई वहाँ पे उनको वो हक भी नहीं है वहाँ पे, और वहाँ पे इलीगली वहाँ पे लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर रखे हैं. तो गवर्नमेंट से मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि इन सब चीज़ों पे ध्यान दें. डेवलपमेंट विद सस्टेनेबिलिटी, ऑफकोर्स प्राइम मिनिस्टर टुडे ऑफकोर्स ऑल्सो मैंशन अबाउट यू नो इलेक्ट्रिक कार्स एंड यू नो मूविंग टूवर्ड्स यू नो पुटिंग मोर इलेक्ट्रिक स्टेशन इन द फ्यूचर. यस यस, टेल मी. सो बेसिकली व्हेन आई रोट अ पेपर अबाउट ऑटोमोबाइल सेक्टर, आई सॉ कि गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है कि टिल 2030 और मे बी आई एम रॉन्ग बेसिकली कि मतलब और शायद आगे तक, दे वॉन्ट कि वो जीरो कार्बन एमिशन करें. जीरो कार्बन एमिशन वो तभी कर पाएंगे जब वो बेसिकली अपने एंड से कुछ और प्लानिंग्स लेकर के आएंगे कुछ, क्योंकि बेसिकली हम लोग ये तो लगे पड़े हैं कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को निकाल रहे हैं एंड यूज़ करें, बट प्लानिंग वी आर लैकिंग इन प्लान्स, राइट? प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. उन्होंने जीरो कार्बन एमिशन का प्लान किया, बट आई डोंट थिंक सो, हमें नहीं दिख रहा कहीं वो चीज़. वी कांट सी, हम हर जगह वही देख रहे, वही हालत है. एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो चाहे इंसान हो, हर किसी को इफेक्ट पड़ रहा है. आज भी वही धुआं, वही हालत, वही सब. एक जानवर के कान में आवाज़ इतनी तेज पड़ती है, बट वही नॉइज़ पोल्यूशन, वही चीज़ है. वी कैन नॉट सी एनी थिंग जो अभी तक हमें लगी, हालांकि वो टाइम स्टार्ट हो चुका है जब खुद हमारे पीएम ने वादा किया था. तो आई विश कि आगे वो ऐसी कुछ चीज़ें लेकर के आएंगे. आई होप हमारी गवर्नमेंट से. ईवीज की हम लोग बात करें, ऑफकोर्स ईवीज पे एक बहुत ज़्यादा फोकस है और पिछले कुछ सालों में हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर ऑफकोर्स इंक्रीजिंग, एंड अगेन आज प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में भी ये मेंशन था. हम लोग ईवीज की तो बात कर रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, हम लोग कहाँ से कर रहे हैं? हम लोग अपने ही अर्थ को खोदेंगे, हम लोग वहाँ से कोल निकालेंगे, फिर उसमें से हम लोग ईवीज के लिए हम लोग बनाएंगे. मेरा मानना यह है कि जैसे अभी पीएम मोदी जी ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया सोलर के लिए, हम लोग उसी इनिशिएटिव को बढ़ा के उसमें सब्सिडीज बढ़ा कर हम उसमें काम कर सकते हैं. और रही बात की क्या पब्लिक इसके लिए तैयार है, गवर्नमेंट को और पब्लिक को साथ में मिलके आकर हम लोग एक सस्टेनेबल प्रोग्राम स्टार्ट करना पड़ेगा. इसी वजह से हम लोग एक कह सकते हैं ना, एक अवेयरनेस फैला सकते हैं. मोदी जी ने स्वच्छता भारत अभियान का शुरुआत करी, वो आए, वो रोड पे सड़कों पे आए, उन्होंने काम करा, उसी प्रकार से पब्लिक को भी साथ में आना पड़ेगा. हमें प्लास्टिक नहीं फेंकना पड़ेगा. हर लेवल पे सरकार रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती है, भारत के यूथ को भी साथ में आना पड़ेगा. और जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा है, वादा करा है, हम लोग भी उसके साथ में खड़े होंगे और हम लोग भी काम करेंगे. नहीं, जैसा कि बोला कोल के लिए,
हम लोग ये कहना चाहते हैं की बात ठीक है, सोलर पावर प्लांट्स के तरफ अपना एक अलग इनिशिएटिव स्टार्ट करना पड़ेगा, एक रूरल गांव के लेवल पे लाइक फंड्स को एलोकेट हों प्रधान लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और जिला लेवल पे, ताकि हर घर पे सोलर पावर वो रहे, ताकि हम लोग का डिपेंडेंसी सोलर पावर. एंड ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट वॉज द एयर क्वालिटी, द एयर दैट वी ब्रीद इन. ऑफकोर्स वी सी इन डेली एंड कैपिटल सिटीज लाइक लखनऊ, कानपुर, वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज. एंड देर वॉज ऑफकोर्स मैंशन अबाउट द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम. वॉट यू हैव टू से अबाउट इट, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज टू हैव? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए जिस तरह सरकार ने ये मैनिफेस्टो निकाला है, कांग्रेस ने भी निकाला है, बीजेपी ने भी निकालना है, लेकिन ये देखकर सही खुशी होती है क्योंकि सरकार भी इस पे काम कर रही है. जैसे हम लोग पहले सिर्फ जैसे हम जैसे एनजीओ हैं सिर्फ यही काम कर बात करते थे इन सब चीज़ पर, लेकिन अब जो है सरकार भी इस पर बात कर रही है और ये एक अच्छी चीज़ है. जैसे कांग्रेस ने निकाला है क्लाइमेट चेंज, राइट टू क्लाइमेट चेंज वाला मैनिफेस्टो में, ये देखकर बहुत खुशी हुई. मैनिफेस्टो को अगर देखा जाए तो आज हम लोग को खुशी ये हो रहा है कि पहले जब था तो इसका जिक्र नहीं रहता था क्लाइमेट चेंज, वो थर्ड या फोर्थ भी कैटेगरी का भी रहता था, लेकिन आज उसको अगर रखा गया मैनिफेस्टो तो हम लोग एक पॉजिटिव एक इंडिकेशन है कि हमारी गवर्नमेंट उस तरह में सोच रही है. और एक सबसे बड़ी बात और है, जो हम लोग वेस्ट के मॉडल से बहुत प्रभावित होते थे एक टाइम पे, आज वेस्ट की ये हालत हो गई है, हर साल वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है. जो वेस्ट में कहा जाता था, यूरोप में कहा जाता था सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ती है, आज उसका हालत ये है सर कि सबसे ज़्यादा वहाँ गर्मी पड़ने वाली है, हर साल 1% से टेम्परेचर बढ़ रहा है. तो हमें ये देखना चाहिए कि ये एक ग्लोबल इशू है ही है, बट जैसे लाइक आई वॉज टेलिंग दैट ऑफ कोर्स दीज आर यंग क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट, बट दे आर ऑल्सो फर्स्ट टाइम वोटर्स. सो आई ट्राई टू स्पीक विद all of them here, what are the issues of first time voters? Yes, of course, climate is a very important issue because these are the generations, you know, whatever we do, they are going to suffer in the future. But apart from climate change, what are issues of a common person, for first time voter? Okay, apart from climate change, if we discuss about maybe jobs issues, there are employment issues, and maybe employment issues are not really big because but लोगों को मतलब करना चाहिए. employment issues हैं नहीं इतने, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब अगर हम लोग बहुत ज़्यादा development कर रहे हैं तो employment बढ़ेगा अभी, पर वो development को थोड़ा सा sustainability के साथ किया जाए तो मे बी लॉन्ग टर्म. ऑफ कोर्स employment is also another issue. Yes, हम लोग employment की बात कर रहे थे. मैं देख रहा हूँ आजकल इतनी ज़्यादा जो प्राइवेट सेक्टर हो रहा है उसमें इतनी ज़्यादा जॉब्स हम लोगों को निकाला जा रहा है, तो जिस प्रकार से हम लोग आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, हम लोग खुद एक अपना रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं, खुद हम लोग अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, सस्टेनेबल एग्जैक्टली सस्टेनेबल हम लोग जॉब क्रिएट कर रहे हैं और जॉब्स क्रिएट हो रही हैं. और हमें एक स्किलफुल डेवलपमेंट की तरफ जाना पड़ेगा. जिस टाइप से हम लोग स्कूल्स में भी रिफॉर्म्स कर रहे हैं, NEP 2020 आई, उसमें भी स्कूल्स में रिफॉर्म हो रहा है, ग्राउंड लेवल पर पढ़ाई को चेंज करा जा रहा है. तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने चेंज करे हैं, बट हाँ हमें हर टाइम पर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, जो गलतियाँ हैं उससे सीखना पड़ेगा, तभी हम विश्व गुरु बन सकते हैं. और मैं अगर मेरे लिए वोटिंग का क्राइटेरिया देखा जाए तो मैं वोट करूंगा, जैसे कि ये लोकसभा इलेक्शंस है तो हम लोग एक नेशनल लेवल का हम लोग इश्यूज देखेंगे, तो मेरे लिए क्या है वोट करने का क्राइटेरिया इज डेवलपमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमारा जो तरक्की कर रहा है, हमारे अपने बॉर्डर्स को जैसे सुरक्षित किया गया, तो आई एम हाईली सेटिस्फाइड विद दिस गवर्नमेंट. बट हाँ, बहुत सारी चीज़ें जो अभी करना चाहिए, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, जो कि सबसे मस्ट है, सिर्फ हमारे डेमोग्राफिक चेंज के लिए नहीं, ये हमारे पॉपुलेशन कंट्रोल हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी ज़रूरी है. आज इंडिया हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, तो इसलिए हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल हमारा अटमोस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन की वजह से आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स है इंडिया में. चाहे अगर आप एम्प्लॉयमेंट की बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें, या फिर किसी चीज़ की बात करें, एट दी एंड कहीं ना कहीं पॉपुलेशन आपका उसमें एक क्राइटेरिया है. तो हमारा फर्स्ट हम लोग अटमोस्ट प्रायोरिटी है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल. थैंक यू सो मच. ऑफकोर्स यंग यू नो क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट, फर्स्ट टाइम वोटर्स स्पीकिंग. एक बार आई आस्क माई कैमरा पर्सन टू शो यू नो द प्लकार्ड्स दैट दे आर कैरिंग टू सेव द प्लैनेट. देर इज़ नो प्लैनेट बी, एक्टिव एक्ट एज इफ योर हाउस इज ऑन फायर बिकॉज इट इज सो. बट ऑफकोर्स यू नो आई वुड लाइक टू एंड विद दिस प्लकार्ड हियर, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर. दैट वॉज ऑल्सो यू नो आर G20 मोटो एज वेल, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर. With camera person Virendra Kumar Saini, Tanish Punjabi for NDTV.